बच्चों आज सॉल्व करेंगे करके देखें 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों जैसे हम लोग भग्नांश में सीखे हैं, एक जोड़ 3/6 माइनस 2/5, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसका जब माइनस करते हैं, घटाव करते हैं या जोड़ करते हैं, तो हम लोग इसका नीचे का लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस निकाले 6×5=30, ठीक है। और 6 को 30 में भागा करते हैं, 6×5=30, 5 हुआ। यहाँ पे 3 के साथ 5 गुना किया जाता है, घटाओ। फिर उसी तरीके से 5 को 30 में भागा करते हैं, 5×6=30, 6 हुआ, 6×2। बच्चों यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे, या ये दोनों का हम लोग लॉस ऑफ निकालेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों को सिर्फ लिख लेंगे 3 जोड़ 5 का वर्गमूल गुना 3 घटाओ 5 का वर्गमूल। अब जैसे 5 यहाँ गुना हुआ था, ये वाला उसे यहाँ गुना होगा, 8 जोड़ 3×2 का वर्गमूल गुना 3 - 5 का वर्गमूल, ये यहाँ पे गुना हो गया। घटाओ को घटाओ, क्वेश्चन में जो है उसको लिख लेते हैं, 8 घटाओ 3×2 का वर्गमूल। बच्चों ये वाला 6 जैसे यहाँ गुना हुआ था, ये भी यहाँ पे गुना होगा, 3 जोड़ 5 का वर्गमूल, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसको हम लोग a प्लस बी गुना a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो अब हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये वाला बच्चों, ये वाला इन दोनों को गुना करना पड़ेगा और इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं, सोचो ये नहीं है, इसको इसको हम लोग को दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट गुना करेंगे, 8 * 24 घटाओ 8×5 का वर्गमूल, ठीक है। आप देखो बच्चे इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक, प्लस को प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, 3×9 9×2 का वर्गमूल। अब ये 5 के साथ भी गुना होगा, तो एक प्लस है, एक माइनस है, एक जोड़ है, ये घटाव है, जैसे भी आप समझे। तो गुना में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, माइनस है तो माइनस देना ही पड़ेगा, और हम लोग गुना करेंगे, 3×3×2 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल, ये गुना का गुना है, दोनों को हम लोग एक साइड में रख सकते हैं, तो 5×10 10 का वर्गमूल, ठीक है, 10 का वर्गमूल। या बच्चों 3 का वर्ग, कल में हम लोग सीखे हैं 3 का वर्ग मीन्स 3 को 2 बार गुना करो, 3×3=9, और ये वर्गमूल और ये वर्ग दोनों कट जाता है। बच्चों ये 24 है, घटाओ 8×5 का वर्गमूल जोड़ 9×2 का वर्गमूल घटाओ 3×10 का वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए, अब बच्चों देखो यहाँ पे भी एक घटाव था, अब इसको सॉरी गुना था, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। बच्चों ये देखो 24 को 24 उतरा, घटाओ 8×5 का वर्गमूल जोड़ 9×2 का वर्गमूल घटाओ 3×10 का वर्गमूल, ये हम लोग का आंसर निकल चुका। अब गुना था, इसको हम लोग छोड़ दिए थे, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बोल हम लोग लिख चुके। या बच्चों ये जैसा था वैसे उतर गया है, अब हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, यहाँ का माइनस का साइन है, तो और भी हम लोग का और एक ब्रैकेट को का सहायता लेना पड़ेगा, इसको भी उसी तरीके से हम लोग गुना करेंगे। देखो 8 को 3 के साथ और 8 को 5 का वर्गमूल के साथ, तो 8 * 24 प्लस 8, ये दोनों गुना नहीं होगा, इसमें वर्गमूल है और ये नेचुरल नंबर है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब देखो बच्चे अब इसको पकड़ लेते हैं, ये यहाँ भी गुना होगा और ये यहाँ भी गुना होगा, माइनस है, पहले माइनस लिखते हैं, 3×9 9×2 का वर्गमूल 1 - 1+ या 1 घटाओ या 1 जोड़, तो यहाँ पे आ जाएगा घटाओ 3×3 गुना देखो 2 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5×10 10 का वर्गमूल, ठीक। या ठीक है, आप देखो ये 24 को 24 लिखे, घटाओ 8×5 का वर्गमूल जोड़ 9×2 का वर्गमूल माइनस 3×10 का वर्गमूल। देखो बच्चे यहाँ माइनस है तो इस सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये देखो बच्चे इसका आगे में कोई साइन नहीं है, मतलब जोड़ सोचो या प्लस दोनों एक ही चीज है, तो ये जोड़ है घटा हो जाएगा, ये जोड़ है घटा हो जाएगा, ये घटाव है जोड़ हो जाएगा, ये घटाव है जोड़ हो जाएगा, बाय 9 से 5 घटाओ करने से 9 से 5 घटाने से 4 होता है, 1 + 1- होने से कट जाता है, घटाओ 8×5 का वर्गमूल माइनस 8 घटाओ 5 का वर्गमूल, तो बच्चों माइनस 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 आया और 8 + 16 8 + 16, अच्छा चलो लिख लेते हैं, माइनस 8×5 का वर्गमूल माइनस 8×5 का वर्गमूल। अब देखो जोड़ 9×2 का वर्गमूल जोड़ 9×2 का वर्गमूल, तो बच्चों ये 9×9 18 हो गया,
9 × 9 = 18, 2 का वर्गमूल कॉमन आ गया। अब यहाँ पे घटाओ 3 × 10 = जोड़ 3 × 10 = ऐसे करेंगे 8 × 5 = घटाओ 8 × 5 = 5 का वर्गमूल कॉमन आ गया। यहाँ पे हो गया -8 और -8, ठीक, ये हो गया जोड़ 18 × 2 = 4, घटाओ 8 और 16, 16 × 5 = जोड़ 18 × 2 = 4। या बच्चों देखो यहाँ पे 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 8 = 16, घटाओ 8 × 5 = जोड़ 2 × 9 = 18, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 × 2 = 4 बटा, अभी देखो बच्चे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये भी कट गया। अब लिख सकते हैं 1/2 × घटाओ 8 × 5 = जोड़ 9 × 2 = आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।